खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार की झांकी इस बार 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर नजर नहीं आएगी। बिहार की झांकी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं किया गया है और इस बार झांकी की थीम सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली पर आधारित थी, लेकिन उसमें परेड में शामिल करने की मंजूरी उसे नहीं मिली। नीतीश आजकल पूरे बिहार में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए घूम रहे हैं। खबरों के मुताबिक 26 जनवरी के परेड में बिहार की झांकी के शामिल नहीं करने पर वो दुखी हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। बिहार में हम लोगों ने शुरू कराया हर घर नल का जल, आज देश भर की योजना बन गई। और ये जो जल जीवन हरियाली अभियान है, आज पता नहीं लोगों के दिमाग में आ जाता है कि 26 जनवरी को यहाँ से भेजा था, वो इसमें नहीं मंजूर किया। अरे उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जल जीवन हरियाली अभियान बिहार का ऐसा है, लोग बिहार के लोगों को ठीक ढंग से नहीं समझते हैं। अरे बिहार के लोगों की ऐसी प्रतिबद्धता है कि अपनी प्रतिबद्धता के सहारे जल जीवन हरियाली अभियान को इतना बुलंदी से चलाएंगे कि जो जलवायु का परिवर्तन है उसको रोकेंगे और उदाहरण पेश करेंगे, शायद दूसरी जगहों पर भी, दूसरे देशों में भी इसका लोग अनुकरण करेंगे। इसलिए मन बुलंद करिएगा, बिहार के लोग मन के बहुत अच्छे हैं और हम तो यही आग्रह करें कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना। समाज में झगड़ा लगाने की भी बहुत लोग कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का, भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए। सर प्रकाश, मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार तो इस बात को बातों बातों में टाल गए क्योंकि राजपथ पर इस बार बिहार की झांकी नहीं दिखेगी, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है, क्या कुछ हो रहा है? और दरअसल नीतीश कुमार की टीस जो है वो बाहर निकल के आ रही थी खगड़िया के मंच से, जब वो भाषण दे रहे थे जल जीवन हरियाली पर, तो जो सवाल खड़े हो रहे थे कि इस बार बिहार की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेके काफी वो संवेदनशील है और गंभीर है, तो उन्होंने एक तरह से अपने भाषा में संयम बरतते हुए ये मैसेज दिया है, संदेश दे दिया है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना गया, इस बार नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं। जैसे कि बिहार पहले भी, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, हर घर जल नल योजना का हो, जिसे देश अपनाता रहा है, इसे भी आज न कल दूसरे जगहों पर भी अप्लाई किया जाएगा, तो एक तरह से उनका दर्द छलक रहा था, लेकिन सीधे तौर पर किस केंद्र पर कुछ भी टिप्पणी करने से वो बचते नजर आए थे। तो जाहिर है कि अभी बिहार में चुनाव होना है 2020 में, उसके पहले वो कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कड़वाहट सामने आए, क्योंकि फिलहाल चल रहा है सीटों के बंटवारे पर बातचीत होनी है और उसमें वो कोई भी तरह का गैप नहीं रखना चाहते हैं। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे, तो दर्द तो जरूर छलका लेकिन उस चीज को वो छुपा गए अपनी ही बातों में। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान आखिर है क्या, उसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, पर्यावरण संतुलन, जल संकट खत्म करने के लक्ष्य से का लक्ष्य है जल जीवन हरियाली के तहत। 3 साल में 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस ड्रीम प्रोजेक्ट पे, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। तालाब कुएं जैसे परंपरागत स्रोत ठीक किए जाएंगे। 3 साल में 7.5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे जल जीवन हरियाली योजना के तहत, अभियान के तहत, और 2 अक्टूबर से अभियान की शुरुआत हुई और नीतीश कुमार लगातार इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। और नीतीश कुमार की इस योजना को लगातार वो उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी शामिल नहीं किए जाने पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। राबड़ी देवी ने तंज भी कसा था। राबड़ी और तेजस्वी ने इस अभियान में घोटाला होने का आरोप लगाया। राबड़ी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट में 24,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसलिए इसे सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी को नहीं शामिल करने का फैसला किया। तो राबड़ी देवी की तरफ से आरोप लगाया गया, जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट में 24,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बिहार की झांकी पर जो इस बार राजपथ पर नजर नहीं आएगी, राजनीति तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने घोटाले को देखते हुए परेड में झांकी पर रोक लगाई है। एक प्रेस रिलीज जारी की गई राबड़ी देवी की तरफ से, जिसमें सब कुछ कहा गया है। जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 24,500 करोड़ रुपए का घोटाला है और इसीलिए केंद्र सरकार ने घोटाले को देखते हुए
परेड में झांकी पर रोक लगाई है, परेड में झांकी को शामिल नहीं किया है। ये बड़ा आरोप राबड़ी देवी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर लगाया गया है। और जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट जो है, अभियान जो है, वो नीतीश कुमार का ड्रीम अभियान है और नीतीश कुमार लगातार इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। और अब इस पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। लालू परिवार केंद्र सरकार के इस फैसले के बहाने नीतीश कुमार को घेर रहा है। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का अब भी मानना है कि बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश को आरजेडी के साथ आ जाना चाहिए। बिहार में इसी साल चुनाव है। तो मैं यह कह रहा हूं कि नीतीश कुमार नहीं, एबीसीडी, भाजपा को खत्म करना है, इसलिए गैर भाजपा को एकजुट होना है। उसमें हम आदमी के भेदभाव, कौन अच्छा कौन खराब नहीं देखेंगे, किसी से हम समझौता करेंगे कि भाजपा कैसे खत्म हो। ये खराबे आदमी है, बाकी उन्हें रहने से तो थोड़ा उनका बल मिलेगा, तो इसलिए उन्हें से हट जाने से उनका सफाया होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश आ जाए आपके पाले में और आपके तेजस्वी करेंगे किसी, अब तो वो लोग तो अपना आपको एक तरफ से इग्नोर कर रहे हैं। ना इग्नोर नहीं, ना हम तो फॉर्मूला ना कहते हैं जो गैर भाजपा को एकजुट करो, उसमें हम पी कैन चूज एक्सेप्शन नहीं करते। वो लोग अपना चुन बीच करते हैं तो वो लोग जाने। तो झांकी पॉलिटिक्स बिहार में तेज हो गई है। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ बिहार की झांकी ही परेड में शामिल नहीं हो रही है, इस बार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और केरल की झांकी भी नहीं है। इस पर विवाद भी हो चुका है। वैसे आपको बता दें, हर साल चुनिंदा राज्यों को ही झांकी में शामिल होने का मौका मिलता है और इस बार के लिए राज्यों, मंत्रालयों और दूसरे विभागों सहित करीब 56 प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन सिर्फ 22 झांकियों को ही परेड के लिए चुना गया। कौन सी झांकियां परेड में शामिल होंगी, इसका निर्धारण रक्षा मंत्रालय करता है और एक समिति होती है जो अलग अलग पैमानों पर झांकियों की जांच करती है, फिर उन्हें मंजूरी देती है। पिछले साल बंगाल की झांकी थी, लेकिन उससे पहले 2015, 2017 और 2018 में पश्चिम बंगाल की झांकी का प्रस्ताव खारिज हो गया था। देखिए, इस बार राज्यों, मंत्रालयों और दूसरे विभागों की झांकी के 56 प्रस्ताव थे और झांकियों के 56 प्रस्तावों में से सिर्फ 22 प्रस्तावों को ही परेड के लिए मंजूरी मिली है। और कौन सी झांकियां शामिल होंगी इस परेड में, यह रक्षा मंत्रालय तय करता है। रक्षा मंत्रालय के पास ये प्रपोजल जाता है, रक्षा मंत्रालय तमाम प्रपोजलों को देखता है और उसके बाद उस पर फैसला लेता है। रक्षा मंत्रालय की समिति कई पैमानों पर झांकियों की जांच करती है और उसके बाद इसको मंजूरी देती है। पैमाने पर जब ये सही पाए जाते हैं, उसके बाद ही उन झांकियों को परेड में आने की मंजूरी मिलती है। और पिछले साल 26 जनवरी की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल थी, 2015, 2017, 2018 में पश्चिम बंगाल की झांकी शामिल नहीं थी।